यार रात को 8 बजे जो आकाशवाणी रीटेलीकास्ट करता है मन की बात कार्यक्रम का, तो हाँ, वो एक बार फिर से जन जन तक पहुंचती है, लेकिन अपनी भाषा में इंस्टेंटली उसी वक्त आपको 1922 नंबर के जरिए मन की बात कार्यक्रम को सुनने का मौका मिलेगा। ये एक नई बात है जो दर्शकों को जी, बतानी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। मुंबई से योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ है। योगेश, आप महाराष्ट्र में हैं, सूखा देख रहा है इस वक्त महाराष्ट्र विदर्भ के कई इलाकों में। ऐसे में पानी को बचाने की एक अपील की है प्रधानमंत्री ने, और ये अपील ना सिर्फ सूखा प्रभावित इलाकों में की गई है बल्कि जिन जिन शहरों में फिलहाल पानी की कमी नहीं है वहां पर भी आम लोगों से अपील की गई है कि पानी की एक एक बूंद को बचाएं। आने वाले 4 महीनों में पानी की बूंद को बचाने के लिए एक भावनात्मक अपील प्रधानमंत्री के द्वारा आज की गई है। क्या रिएक्शन है मुंबई के लोगों? जी बिल्कुल राहुल, देखिए जल संचयन की बात की गई, जल संचय की बात की गई, जो बेसिकली वाटर को लेकर जो भी बात की गई उसको अगर महाराष्ट्र के पर्सपेक्ट में अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉन्च किया था जलयुक्त शिवर योजना, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा की गई। जैसे कर्नाटक ने कल्याणी योजना शुरू की है, कपिलधारा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री जल संचय योजना करके कोई एक योजना है जो वहां पर भी शुरू की गई, राजस्थान में योजना शुरू की गई। कुल मिलाकर जो वाटर किस तरह से जल को बचाया जाए उसको फोकस किया गया है। अभी इस वक्त हम सायन में है, वहां के एक नुक्कड़ पे इस वक्त हमें आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोग हैं, वो लंबे काफी गहरे से वो लोग सुन रहे थे मोदी जी को। आइए सुनते हैं, जानते हैं उनसे कि उन्होंने वो क्या उसको किस तरीके से देखते हैं। आप हमें बताइए कि जो आपने सुना मन की बात, आप इसको किस तरीके से देखें? जो हमारे ये सरकार ने जो जलयुक्त योजना जो बनाई है गांव-गांव में पानी बचाने के लिए बांध का काम किया है, और लोगों को भी उत्साहित कर रहे हैं, पानी को हमें बचाना चाहिए, पानी को कम खर्चा करना चाहिए, उसके आने वाले टाइम में पानी की बचत करके किल्लत ना हो, आने वाले बारिश के टाइम में भी हमें पानी की किल्लत ज़्यादा ना हो, उसको बचा कर रखना चाहिए। अभी सरकार ने जो अभी बीच में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, देवेंद्र फडणवीस ने जो लातूर में और सब मालगाड़ी से पानी पहुँचाया, वो भी हमारे इस सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बिल्कुल, मन की बात आप सुन रहे हैं, आप वृद्ध हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं जब प्राइम मिनिस्टर जो है खुद लोगों से इस तरह के संवाद स्थापित करते हैं? ऐसी बात है कि जो देश की योजना चलाई है पानी सिंचित करने की सरकार और नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे देश का विकास और ग्राम शहर से लेकर गांव से लेकर शहर प्रांत तक विकास होगा, और आने वाले समय में सिंचित योजना से लोगों को इतना फायदा होगा देश का कि जिससे उद्योग, खेती, हर एक पर विकास होगा, और आने वाले समय में बेकारी दूर होगी, लोगों को सुखी और शांति मिलेगी। और इससे और फायदा क्या होगा कि लोगों को खेती वगैरह करने में, फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाने में सुविधा मिलेगी, और लोगों का मनोबल उठेगा, और पानी से बहुत बड़ा फायदा देश का होगा। और बिल्कुल मिलाकर कहते हैं कि रहमान पानी के बिन पानी सब सुन। आप हमें बताइए कि मोदी जी ने और भी कई सारी बातें कही, आप किस तरीके से देखते हैं, जो सार है आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने काफी कुछ कहा, पहले तो मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो स्वयं आके और स्वयं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट कहने का मतलब मेरा है कि अपने मन की बात हम तक पहुंचाते हैं, और हम तक ऐसी बातें पहुंचाते हैं उनसे हम लोग प्रभावित होकर काफ़ी कुछ पालन करते हैं। जैसे कि उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में कहा, 3 महीने पहले जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे उसके पहले भी उन्होंने अपने मन की बात में ये कहा था कि आप लोग ज़्यादा प्रेशर लेके एग्ज़ाम ना दें, और जिसके वजह से काफी स्टूडेंट रिलैक्स हुए, मतलब कहने का मतलब प्रेशर नहीं लिए, और इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हैं। और अभी भी उन्होंने यही बात कही कि रिजल्ट आने के बाद। बिल्कुल राहुल, जो कुल मिलाकर जो चीजें हैं, जो सार यही है कि जी जी योगेश पहले भी कह चुके थे उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, हमें बाकी देश के और भी हिस्सों में जाना है। गुवाहाटी